राजधानी भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। नीलबड़ स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की नर्सरी में पढ़ने वाली इस छात्रा से स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही दुष्कर्म किया। बच्ची घर लौटी तो उसके कपड़े बदले हुए थे, यह देख माँ हैरान हुई। बाद में उन्हें बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान भी नजर आए। शक हुआ तो उन्होंने बच्ची से पूछताछ की, आपको कोई बैड टच करता है? तो बच्ची ने बताया कि बस के ड्राइवर अंकल बुरे हैं, वो बैड टच करते हैं। इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया और बाद में घटना की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई। महिला थाना पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। उस पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने भी मामले में लीपापोती की है, स्कूल प्रबंधन की भी जाँच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे।